नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे ब्रेन हैमरेज के बारे में और समझेंगे कि ब्रेन हैमरेज आखिर होता क्या है और हमारे शरीर में ऐसी क्या सिचुएशन, ऐसी क्या कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या हो जाती है। बात करें अगर ब्रेन हैमरेज के बारे में तो ब्रेन हैमरेज पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्या है। देखिए होता क्या है कि जिस तरह से हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स गई होती हैं ताकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, उन सभी को ब्लड सप्लाई ठीक ढंग से मिल सके, उसी तरह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे दिमाग तक भी गई होती हैं। जब यही ब्लड वेसल्स या फिर दिमाग तक जाने वाली जो नसें होती हैं किसी वजह से जब फट जाती हैं, बर्स्ट कर जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसे में सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी हो जाती है, काफी सारी सिचुएशंस में लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इस सिचुएशन को बेसिकली हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज में जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं। अब यही जो ब्लड वेसल्स हमारे पूरे शरीर में गई होती हैं तो ऐसी ही ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन तक भी गई होती हैं, जो किसी वजह से, कुछ कारणों की वजह से, कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन की वजह से हमारे शरीर की ये फट जाती हैं या फिर बर्स्ट कर जाती हैं, तो उस वजह से हमारे शरीर में ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या बन जाती है। अब सवाल ये आता है कि हमारी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट क्यों जाती हैं। भाई हमारे शरीर के अदर अंग में, अदर जो पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो कभी नहीं फटती, फिर हमारे ब्रेन में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे ब्रेन या फिर हमारे मस्तिष्क में जो ब्लड वेसल्स गई होती हैं वो नॉर्मल ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। नॉर्मल इस वजह से नहीं होती क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं बेसिकली उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आर्टरीज होती हैं, बेसिकली आर्टरीज होती हैं, और दूसरी होती हैं वेन्स, ठीक है, दूसरी वेन्स होती हैं। तो ये जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनकी साइज थोड़ी मोटी होती है, यानी कि वो थोड़ी सी थिक होती हैं, उनकी जो साइज होती है बेसिकली वो थोड़ी सी थिक होती है, और थिक होने की वजह से इसके अंदर से ठीक ढंग से ब्लड सप्लाई बनी रहती है। अगर आपका बीपी हाई हो जाता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है अगर वो हाई भी हो जाता है, तो ऐसे में ये जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, थिक होने की वजह से इस प्रेशर को झेल लेती हैं, बेयर कर लेती हैं। लेकिन जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ये जो आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं, वो बहुत ही पतली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं। थिन इस वजह से होती हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ही जटिल आकृति होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आकृति होती है। वो इस वजह से क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर मिलियंस ट्रिलियंस की संख्या में न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। आप सभी को पता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम, हमारी बॉडी को का पॉस्चर मेंटेन करने का काम, हमारी बॉडी में थिंकिंग का काम, कोई और काम करने के लिए बेसिकली जो अंग जिम्मेदार होता है उसको हम ब्रेन कहते हैं। तो ऐसे में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसके वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरल कंडक्शन हुई होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है, जिस वजह से बेसिकली इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पतली, बहुत ज्यादा थिन होती हैं। अब जब थिन होती हैं तो ऐसे में अगर किसी भी तरह की ब्लड के अंदर समस्या होती है, मान लीजिए ब्लड के अंदर किसी तरह की क्लॉटिंग होने लगी, या फिर ब्लड के अंदर किसी तरह की अशुद्धि आने लगी, या फिर ब्लड प्रेशर जब कभी कदा बढ़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाती हैं, या फिर ब्लड के अंदर मौजूद जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें वो बेयर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं बेसिकली बर्स्ट हो जाती हैं या फिर फट जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को बेसिकली हम ब्रेन हैमरेज की समस्या कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि ऐसे क्या कॉजेज होते हैं या फिर ऐसी क्या कंडीशन, ऐसी क्या सिचुएशन हमारे बॉडी में क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं या फिर फट जाती हैं। इसके अगर पहले कंडीशन की बात करें तो जिसका पहला कंडीशन है वो आता है हेड ट्रॉमा। वो आता है हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा का मतलब होता है आपके सर पे किसी तरह की चोट लग जाए। अगर किसी व्यक्ति के सर पे चोट लग जाती है, उसका सर फट जाता है या उसका एक्सीडेंट किसी तरह का हो जाता है, ऐसे में अगर उसके सर पे गंभीर चोट लग जाती है तो उसको बोलते हैं हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा के केस में जो ब्रेन होता है उस पर बहुत तेजी से चोट लग जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो
फट जाती हैं, यानी कि बर्स्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। आपने देखा भी होगा, अगर आपने किसी तरह का अगर एक्सीडेंट देखा हो तो आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के सर पे चोट लगी होती है और अगर उसके अंदर ब्रेन हैमरेज जैसी कंडीशन बन चुकी है तो ऐसे में उसके नाक से, उसके कान से, ऐसी जगहों से ब्लीडिंग होने लगती है। तो बेसिकली वो इसी वजह से होती है क्योंकि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं या फिर फट जाती हैं हेड ट्रॉमा की वजह से। तो बेसिकली हेड ट्रॉमा की वजह से ब्रेन हैमरेज ऐसी सिचुएशन व्यक्ति के अंदर बन सकती है। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो ये आता है हाई बीपी की, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की। अगर किसी व्यक्ति के अंदर लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना हुआ है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है बेसिकली हमारा जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल कितना होता है 120 बाई 80 होता है, ठीक है ना। सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। अगर इससे प्रेशर ज़्यादा रहता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर 140 से लेकर के वो 100 बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ये हाई ब्लड प्रेशर है। अगर ऐसा ही ब्लड प्रेशर या इससे ज़्यादा का ब्लड प्रेशर आपके शरीर में लगातार बना है, किसी व्यक्ति के अंदर लगातार बना हुआ है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं, वो बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं। पतली होने की वजह से ज्यादा प्रेशर को, यानी कि ज्यादा ब्लड प्रेशर को वो झेल नहीं पाती, जिस वजह से वो बर्स्ट कर जाती है, यानी कि वो फट जाती है। जब फट जाएंगी तो ऐसे में ब्रेन में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, उस कंडीशन को हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। तो बेसिकली हाई बीपी की वजह से भी ब्रेन हैमरेज की सिचुएशन बहुत ज्यादा बनती है। और ये जो समस्या है हाई बीपी की वजह से ब्रेन हैमरेज होने की जो समस्या है, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। कॉमनली लोगों में देखा गया है, जितने भी ब्रेन हैमरेज के केसेज आते हैं उसमें से ज्यादातर केसेज में हाई बीपी की वजह से ही ब्रेन हैमरेज जैसी सिचुएशन बनती है। तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसे आप कंट्रोल में रखने का प्रयास करें, ताकि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है अगर वो कंट्रोल में रहेगा तो ऐसे में आपके जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपके शरीर में बेसिकली ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या नहीं होने पाएगी। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड आता है ब्लड वेसल एबनॉर्मेलिटी। अगर आपके शरीर में किसी तरह की ब्लड वेसल एबनॉर्मेलिटी है, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी जो बाहरी स्किन होती, बाहरी जो लेयर होती है बेसिकली, वो कमज़ोर पड़ जाती है, या फिर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज कर सकती हैं और कभी कदा वो फट भी सकती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में ब्रेन हैमरेज की सिचुएशन बेसिकली ब्लड वेसल एबनॉर्मेलिटी की वजह से बन सकती है। अगली की अगर बात करें तो वो आता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, वो आता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर आपके शरीर में किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आपके शरीर में ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई बीमारी है जिसके वजह से आपके अंदर ब्लीडिंग यानी कि खून का बहना रुकता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके अंदर बेसिकली ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या देखी जा सकती है। तो ऐसी कुछ चार कंडीशंस हैं या फिर और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से बेसिकली ब्रेन हैमरेज जैसी सिचुएशन हमारे शरीर में बन सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन हैमरेज आखिर होता क्या है और हमारे शरीर में ऐसे क्या कॉमन कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि ब्रेन हैमरेज के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।